डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक बुजुर्ग महिला के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है और ये संपूर्ण घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। इस जानलेवा हमले में महिला गंभीर जख्मी हो गई। दुर्गा भाटिया ये गंभीर जख्मी महिला का नाम है और दुर्गा भाटिया पर यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि महिला के देवर प्रकाश भाटिया ने किया है। 30 अप्रैल सुबह 10:30 बजे के दरमियान उल्लासनगर पुलिस स्टेशन की हद में सीरू चौक के पास सीमा मेडिकल के सामने की गली में 66 वर्षीय दुर्गा भाटिया नामक बुजुर्ग महिला पर उन्हीं के देवर ने 66 वर्षीय प्रकाश भाटिया ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जहां इस हमले में महिला गंभीर जख्मी हुई। जहां मुंबई के एक अस्पताल में महिला का उपचार शुरू है, वहीं उल्लासनगर पुलिस ने आरोपी प्रकाश भाटिया को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। 30 अप्रैल को उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के हद में एक महिला को चाकू मारकर जख्मी किया गया था, सर क्या मामला था? जो जख्मी है और जो अक्यूज है वो देवर और भाभी है, एक दूसरे के रिश्ते में देवर और भाभी है। तो ये आपस के पैसे के प्रॉपर्टी के पैसे के लेन देन के मामले की वजह से इसमें जो आरोपी है उसने उसको चाकू से मार दिया है।